देवास में भी आज से जो धार्मिक स्थल हैं वो खुलने जा रहे हैं और अमिताभ हमारे साथ वहां से जुड़ चुके हैं। अमिताभ, आज 75 दिन बाद धार्मिक स्थलों को खोलने का फैसला ले लिया गया है और इस वक्त आप मंदिर पर मौजूद हैं, जरा तस्वीरें भी हमें दिखाइए और किस तरीके से यहाँ पर नियम कायदे कानून का पालन हो रहा है। बिल्कुल रोमिता जी, मैं बताना चाहूंगा जो है सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनकर आना अनिवार्य किया गया है। देवास की जो माता तुलजा और चामुंडा टेकरी है, यहीं से हम इस वक्त जो है लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि माता तुलजा भवानी का मंदिर है और यहीं पर जो है पूजा अर्चना का दौर जारी है। श्रद्धालु लगातार आ रहे हैं और श्रद्धालु माँ की पूजा अर्चना में जुटे हुए हैं और आज पहला दिन है अनलॉक 1.0 का, ऐसा दिन है जब जो है मंदिर भी खुल चुके हैं और तस्वीरों में हम माता तुलजा भवानी के दर्शन कराना चाहेंगे कि किस तरह से माँ अपने भक्तों को दर्शन दे रही हैं। और कोरोना संक्रमण के चलते जो है 5 भक्तों को अनुमति दी गई थी, प्रतिदिन पूजा के लिए पूजा अर्चना रोज होती थी लेकिन आम श्रद्धालु जो है यहाँ पर नहीं आ पाते थे। और लेकिन आज से भक्तों में भी उत्साह है, देवास के साथ साथ आसपास के क्षेत्र के लोग भी यहाँ पर आज सुबह से ही पहुंचना शुरू हो गए हैं। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो विशेष पूजा अर्चना का दौर भी यहाँ पर जारी है और आज सुबह की जब आरती हुई तो उसमें भी श्रद्धालुओं का उत्साह काफी देखते ही बनता था और माता तुलजा भवानी के और चामुंडा माता के दर्शनों के लिए लोगों का आने का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया है। थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है श्रद्धालुओं की, इसी के साथ जो है मास्क पहनकर आना अनिवार्य है। सैनिटाइजेशन का काम किया गया है माता टेकरी पर, जो फ्रिक्वेंट सैनिटाइजेशन का जो काम होना था उसे भी किया गया, तमाम इंतजाम किए गए हैं, एहतियात बरता जा रहा है। यहाँ पर जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, मास्क लगाए हुए हैं और मंदिर प्रबंधन समिति की तरफ से भी कड़ाई से नियमों का पालन करवाया जा रहा है। आपको बता दें कि 5 से ज्यादा श्रद्धालु एक बार में मंदिर के अंदर एंटर नहीं कर पा रहे। जो ये मंदिर का प्रांगण है जहाँ पर दर्शन हो रहे हैं वहाँ पर 5 से ज्यादा लोग नहीं हो सकते हैं। मंदिर की तस्वीरें हैं, तमाम एहतियात यहाँ पर बरता जा रहा है। आप देख रहे हैं कि श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच रहे हैं और थर्मल स्क्रीनिंग का काम यहाँ पर पहले किया जा रहा है, उसके बाद ही मंदिर के अंदर आपको एंट्री मिल रही है। तो आज से मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा भक्तों को बुलावा दे दिया गया है, लेकिन एहतियात आपको बरतनी है, सावधानी आपको रखनी है। बहुत शुक्रिया अमिताभ इस तमाम जानकारी के लिए। ध्यान रखिए कि प्रतिमाओं को छूने की अनुमति नहीं है, किसी तरह का कोई प्रसाद अंदर नहीं अनुमति दी गई है चढ़ाने के लिए, इसे लेकर बिल्कुल भी ना जाएं, घंटी बजाने की परमिशन भी नहीं है।